हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आज हम बनाएंगे कबसा रेसिपी। आज मैं कबसा रेसिपी के साथ आपके साथ हूं। और ये देखिए, ये हमने लिए हैं, ये है हमारा 1 kg चिकन। और इस तरीके से हमने इनको लगभग 3 पीस में हमने इनको करवा लिया है। इसको मैरिनेट करेंगे सबसे पहले हम कबसा बनाने के लिए। तो मैरिनेट करने के लिए सबसे पहले हम इसके अंदर ये 1 teaspoon नमक डाल देंगे और इसको एब्जॉर्ब करेंगे अच्छे से इसके अंदर, ताकि ये अच्छे से हाथों से आप इसको अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। ऐसे ही 1/4 teaspoon हम फूड कलर इसके साथ डाल देंगे और अच्छे से इसको भी जज्ब करेंगे। ये देखिए, इसको हमने कलर कर दिया है अच्छे से। और अब हम इसके अंदर ये 1 teaspoon गार्लिक पेस्ट डाल देते हैं, 1 tablespoon ग्रीन चिल्ली, 4 tablespoon कर्ड ऐड करेंगे इसके अंदर। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए, बहुत अच्छे से ये मिक्स हो चुका है इसके अंदर। और मैं आपको दिखा दूं कि जब हमने खपसा बनवाने के लिए ये चिकन लिया है तो इसके अंदर ऐसे कट लगाए हैं ताकि ये मसाला इसके अंदर चला जाए। तो आप बुचर से कहेंगे इसके अंदर ऐसे कट लगवा सकते हैं। ये देखिए, हम इसमें लेंगे 1 cup oil। ये है लगभग हमारा 1 cup oil। ये देखिए, ऑयल गर्म हो चुका है। अब ये हमने ली थी इसमें लगभग 4 medium size की ऑनियन ऑमलेट कट, ये इसके अंदर डालते हैं। हमें इसको फ्राई नहीं करना है, बल्कि इसको हमें सिर्फ ट्रांसपेरेंट करना है। ये देखिए, प्याज बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो चुकी है, हमको ऐसी ही रखनी थी। और ये हमने लिया है ये टोमेटो प्यूरी, 1 टमाटर मिक्सी में पीस दिया मीडियम साइज का, ये इसके अंदर डाल देते हैं। ये हमने लिया है 1 tablespoon जिंजर गार्लिक पेस्ट, ये देखिए, ये हमारे पास मसाला पाउडर है। ये इसमें मैंने क्या लिया है, मैं आपको एक बार इसके बारे में बता देती हूँ। इस पाउडर मसाले में मैंने लिया है 1 teaspoon गरम मसाला पाउडर है, और 1 teaspoon धनिया पाउडर, 1 teaspoon जीरा, और लिया है मैंने 2 teaspoon वाइट जो दलहनी मिर्च होती है उसका पाउडर, और एक इसमें मैंने लिया है 1 teaspoon इलायची, दालचीनी, जायफल और जवत्री का मिक्स पाउडर। ये इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं। इसको 2 मिनट हम इसको रोस्ट करेंगे। ये एक बाउल पानी, छोटा सा बाउल पानी डाल के इसके अंदर इसको थोड़ा सा भून देते हैं अच्छे से। ये देखिए, इसमें ऑयल सेपरेट हो गया है, इसका मतलब कि मसाला अच्छे से भून चुका है। चिकन हमने मैरिनेट किया था, इसके अंदर हम इसको ऐड कर देते हैं मसाले में। अब देखिए, चिकन के पीसेस इसमें जा चुके हैं। अभी हमें क्या करना है कि इसको अच्छे से हमें इसी मसाले के अंदर इसको इतनी देर तक कुक करना है कि ये अच्छे से टेंडर हो जाए। और हम इसको लो मीडियम फ्लेम पे टेंडर करेंगे, और जहाँ तक मुझे लगता है कि हमें इसको अच्छे से टेंडर करने में लगभग आधा घंटा लगेगा, बट बीच बीच में हम इसको चेक करते रहेंगे। ये देखिए, ये इसको बिल्कुल हमने आधा घंटे तक कुक किया है और ये अच्छे से टेंडर हो चुका है। मैं आपको दिखाती हूँ कि ये टेंडर हो चुका है। अब हमें क्या करना है कि ये लिए है मैंने 1 kg राइस, ये कच्चे बासमती राइस है, तो इसी के अकॉर्डिंग मैं पानी ऐड करूँगी चावल में। ये देखिए, मैंने इसमें 4 glass पानी ऐड कर दिया, यानी कि जस्ट डबल टू राइस। ये देखिए, मैंने इसमें 1 teaspoon नमक लिया था जब हम चिकन को मैरिनेट कर रहे थे, और अभी जैसे हमारा 1 kg राइस है, तो 1 kg राइस में इसमें 2 teaspoon नमक और ऐड कर दिया, 2 teaspoon ये मैंने नमक इसमें ऐड कर दिया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको घटा बढ़ा सकते हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड करते हैं, ये हमने नया पैन लिया है, और इसमें हम थोड़ा ऑयल ऐड करेंगे, जो हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं उनको हम रोस्ट करेंगे इसके। ये देखिए, ये हमने लिए हैं ड्राई फ्रूट्स, और ये थोड़े से ये हमारे ड्राई फ्रूट्स जो नट्स हैं इनको हम इस ये ऑयल गर्म हो चुका है, इसमें थोड़ा सा रोस्ट करते हैं। ये देखिए, बिल्कुल अच्छे से ये रोस्ट हो चुके हैं, आप एक बार इनको देख सकते हैं। अब हम इनको इसमें से निकाल लेते हैं। ये देखिए, अब जो हमारे ये चिकन के पीसेस हैं, मैं ये इनको निकाल लेती हूँ इसके अंदर से।
ये मैंने इसके अंदर डाल दी है ताकि ये अच्छे से रोस्ट हो जाए। ऊपर नीचे से मैं करते हुए रोस्ट कर दूँगी। अभी देखिए जो हमारा बता हुआ ऑयल था जिसमें मैंने अभी ये नट्स रोस्ट किए थे, तो इसके अंदर मैंने इसको डाल दिया है ताकि ये मैं दोनों साइड से इनको रोस्ट कर दूँगी ताकि इनके ऊपर एक कलर आ जाए रोस्ट करने का। अभी देखिए पानी के अंदर एक उबाल आ चुका है। अब मैं इसके अंदर ये राइस डालने वाली हूँ। राइस है जो ये मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ। ये देखिए मैंने इसके अंदर चावल ऐड कर दिए पानी में। अब हम इनके पानी के ड्राई होने तक इसका वेट करते हैं। और आप इसके अंदर इस पॉइंट पर आने के बाद नमक चेक करेंगे, अगर आपको नमक लगता है अपने अकॉर्डिंग कम तो आप थोड़ा नमक इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। और ये देखिए दूसरे पैन में मैंने ये चिकन की पीसेस रखे हुए हैं इनको रोस्ट होने के लिए। ये देखिए इसमें बिल्कुल ये पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है राइस का। ये चिकन है और इस चिकन को अब हम इसके ऊपर डाल देते हैं राइस के ऊपर। ये देखिए मैंने ये चिकन के पीसेस अब राइस के ऊपर डाल दिए हैं और लगभग सिर्फ 5 मिनट हम इसको अच्छे से दम कर देंगे और फिर डिश आउट करते हैं। ये देखिए इसमें दम आ चुका है, अब हम इसको डिश आउट करते हैं। ये देखिए हमने इसको, आप इसी तरह की एक ट्रे भी इसको डिश आउट कर सकते हैं। ये हमारे पास ड्राई फ्रूट्स हैं जिससे हम इसको गार्निश करेंगे और ये बड़ा अच्छा सा एक यम सा टेस्ट होता है इसका। ये चाट मसाला, ये आप इसके ऊपर डाल सकते हैं थोड़ा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। ये देखिए ये हमारा कब से रेडी टू ईट है। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और अगर आपको कोई सजेशन हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।